अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। देखिए आज 11 ज़िलहज है, सारे हुज्जाजो कराम जमरात आएंगे और आज भी रमी करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, कल 10 ज़िलहज के दिन बस बड़े शैतान को कंकरियाँ मारे थे, लेकिन आज 11 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारा जाएगा। शुरुआत करेंगे छोटे शैतान से। जैसे ही हुज्जाजो कराम जमरात में दाखिल होंगे, पहले सबसे पहले सामने आएगा छोटा शैतान। इंशाल्लाह मैं आगे क्लिप्स में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इस वीडियो में आप बने रहना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ये देखिए सारे हुज्जाजो कराम अपने अपने खेमों से निकल के जमरात की तरफ रवाना हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हुज्जाज जो हैं एहराम में नहीं रहेंगे, कल एहराम से फ़ारिग हो गए, कल अदाई के बाद एहराम से फ़ारिग हो गए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हुज्जाजो कराम आम लिबास में हैं जो जमरात के लिए जाएंगे। बस उज़ू के साथ जाना है और रमी करके वापस आना है। माशाल्लाह, ये अलग ही महसूस होता है। सुभान अल्लाह। ये हज का चौथा दिन है, आज 11 ज़िलहज है और आज दूसरा दिन रमी का है, शैतान को कंकरियाँ मारने का। किस तरह से जमरात की तरफ सारे लोग बढ़ रहे हैं, मैं ये व्लॉग में ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह, अपने अपने ग्रुप के साथ सारे हुज्जाजो कराम रमी करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को आज ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से हुज्जाजो कराम रमी करने के लिए अपने अपने खैमों से जा रहे हैं। ये देखिए 4th फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही 4 फ्लोर बनाए हैं सऊदी हुकूमत ने रमी के लिए, क्योंकि हुज्जाजो कराम की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये देखिए सारे हुज्जाजो कराम इस वक्त जमरात में रमी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आज तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे, तो इसीलिए 11 ज़िलहज के दिन, हज का चौथा दिन है आज, तो सारे हुज्जाजो कराम तीनों शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 10 ज़िलहज यौम ईद का दिन था कल, तो वहाँ पे सिर्फ एक शैतान, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी गई थी। लेकिन आज सारे हुज्जाजो कराम तीनों शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। आज हुज्जाजो कराम को बस यही करना है, दूसरा कोई अरकान नहीं है करने के लिए। माशाल्लाह, ये देखिए जैसे ही जमरात के इमारत में, बिल्डिंग में एंटर होंगे, सबसे पहले जो नज़र आएगा जमरात वो होगा छोटा शैतान, उसके बाद बीच का शैतान, मिडिल शैतान आएगा, उसके बाद आखिर बड़ा शैतान आएगा। एक एक करके सारे शैतानों को कंकरियाँ मार के एग्ज़िट होने का एक रास्ता रहेगा। जो हाजी एग्ज़िट होकर मीना वापस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बाकी के जो भी हुज्जाजो कराम हैं, कई सारे हुज्जाज हरम जाते हैं, मस्जिदुल हरम को तवाफ़ करने के लिए, सई करने के लिए, नमाज़ें अदा करने के लिए। माशाल्लाह, ये देखिए कितने खुशी से सारे लोग रमी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मिडल शैतान, यानी बीच वाला शैतान जो है वो एक करते करते ना आखिरी में जो रहेगा वो बड़ा शैतान है। माशाल्लाह, जैसे कि मैं बता रही थी, हुज्जाजो कराम के लिए आज बस ये रमी करना ही एक अरकान है। उसके बाद दिन भर हुज्जाजो कराम आराम करेंगे अपने खैमों में, नमाज पढ़ेंगे, आराम करेंगे। लेकिन जो हुज्जाज हरम शरीफ जाना चाहते हैं वो हरम भी जा सकते हैं, दिन भर हरम में रह के, लेकिन वापस मीना में ही आना होगा। क्योंकि हज की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट शर्त यही है कि पूरे 5 रातें सारे हुज्जाज को मीना में ही गुजारनी होगी। भले ही दिन में आप जमरात में रहे, हरम में जाए सई करने के लिए, उमरा करने के लिए, लेकिन रात होते ही आप लोगों को सारे मतलब हाजियों को वापस से मीना में ही आना होगा। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत ही प्यारा मंजर है। सारे हुज्जाजो कराम का कल आखिरी हज के अरकान का दिन होगा। कल की जो खुशी होगी वो वाकई में वो नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, ये बयान नहीं कर सकते अल्फाज में कि किस तरह से खुशी होगी। क्योंकि दूर दूर मुल्कों से हाजी सारे हज करने के लिए आए हैं और कल हज का आखिरी दिन है, हज के अरकान कल मुकम्मल होंगे। सुभान अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे अपना हज याद आ रहा है। ये देखिए काबा में भी कितनी, हरम में कितनी लोग तवाफ़ करें काबातुल्लाह का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इतना बेहतरीन क्लिप मैं लेकर आई हूँ ना फ्रेंड्स, वाकई में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस यही था मेरा आज का ये व्लॉग। मैं दिखाना चाहती थी कि किस तरह से आज के दिन सारे हुज्जाजो कराम रमी करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। La ilaha illallah Allah।